उद्धव गुट ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। शिवसेना उद्धव गुट ने 65 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। आदित्य ठाकरे मुंबई की वर्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना का सबसे ज्यादा फोकस अब मुंबई की ही जो सीटें हैं, जो शहरी सीटें हैं, उन पर ही है। लेकिन इस बीच आदित्य ठाकरे मुंबई की वर्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। 65 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो यहाँ पर जारी की है शिवसेना उद्धव ठाकरे ने। मुकाबला बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस बार के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जहाँ दो शिवसेना के अलग अलग गुट हैं, दो एनसीपी के अलग अलग गुट हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है। उद्धव गुट ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। शिवसेना उद्धव गुट ने 65 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। आदित्य ठाकरे मुंबई की वर्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना का सबसे ज्यादा फोकस अब मुंबई की ही जो सीटें हैं, जो शहरी सीटें हैं, उन पर ही है। लेकिन इस बीच आदित्य ठाकरे मुंबई की वर्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। 65 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो यहाँ पर जारी की है शिवसेना उद्धव ठाकरे ने। मुकाबला बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस बार के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जहाँ दो शिवसेना के अलग अलग गुट हैं, दो एनसीपी के अलग अलग गुट हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में बात बन गई है। महाविकास अघाड़ी के तीनों बड़े दल 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अब तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब जो फॉर्मूला सामने आया है उसके मुताबिक तीनों दल 85-85 सीटों पर। हमारे सहयोगी विलास अटवले हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। विलास, अब तक तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, फिर अचानक से ये क्या हुआ कि तीनों दल 85-85 सीटों पर? देखिए, दो चीजें हैं इस चुनाव क्षेत्र में। जो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना जो है वो विदर्भ में 12 सीट पा गई, जिसको कांग्रेस देने से निकाल दिया था, और इसी को लेकर काफी अनबन चल रही थी। संजय राउत सीधे राहुल गांधी से बात करें, फेरिंग के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आखिर महायुति के खिलाफ रखना है तो सभी को एक कदम पीछे आना पड़ेगा। ऐसी सोच जो है वो शरद पवार ने सामने रखी। 12 साल थोड़ा जो कांग्रेस के नेता है वो शरद पवार को मिले, उद्धव ठाकरे को मिले, और एकीफाई का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर सहमति हो गई है। ठीक है विलास, बहुत संक्षेप में ही जो बाकी की 33 सीटें हैं, तीनों 85-85 मिलाकर 255-288 सीटें हैं, बाकी 33 सीटों पर कौन? देखिए, उद्धव ठाकरे गुट में कई ऐसी जगह है कि जहां उन्होंने मांग की है वही शरद पवार के पार्टी के उम्मीदवार भी लड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस में भी कई ऐसी सीटें हैं जो उद्धव ठाकरे को चाहिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को चाहिए, लेकिन कांग्रेस उसे छोड़ नहीं दी है। ठीक है, तो 33 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी बातचीत चल रही है। 255 सीटों पर सहमति बन गई है। तीनों राजनीतिक दल 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उद्धव गुट ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। शिवसेना उद्धव गुट ने 65 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। आदित्य ठाकरे मुंबई की वर्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना का सबसे ज्यादा फोकस अब मुंबई की ही जो सीटें हैं, जो शहरी सीटें हैं, उन पर ही है। लेकिन इस बीच आदित्य ठाकरे मुंबई की वर्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। 65 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो यहाँ पर जारी की है शिवसेना उद्धव ठाकरे ने। मुकाबला बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस बार के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जहाँ दो शिवसेना के अलग अलग गुट हैं, दो एनसीपी के अलग अलग गुट हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है। उद्धव गुट ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। शिवसेना उद्धव गुट ने 65 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। आदित्य ठाकरे मुंबई की वर्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना का सबसे ज्यादा फोकस अब मुंबई की ही जो सीटें हैं, जो शहरी सीटें हैं, उन पर ही है। लेकिन इस बीच आदित्य ठाकरे मुंबई की वर्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। 65 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो यहाँ पर जारी की है शिवसेना उद्धव ठाकरे ने। मुकाबला बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस बार के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जहाँ दो शिवसेना के अलग अलग गुट हैं, दो एनसीपी के अलग अलग गुट हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में बात बन गई है। महाविकास अघाड़ी के तीनों बड़े दल 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अब तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब जो फॉर्मूला सामने आया है उसके मुताबिक तीनों दल 85-85 सीटों पर। हमारे सहयोगी विलास अटवले हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। विलास, अब तक तो कहा जा रहा था कि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, फिर अचानक से ये क्या हुआ कि तीनों दल 85-85 सीटों पर? देखिए, दो चीजें हैं इस चुनाव क्षेत्र में। जो उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना जो है वो विदर्भ में 12 सीट पा गई, जिसको कांग्रेस देने से निकाल दिया था, और इसी को लेकर काफी अनबन चल रही थी। संजय राउत सीधे राहुल गांधी से बात करें, फेरिंग के बारे में
बात कर रहे थे, लेकिन आखिर महायुति के खिलाफ लड़ना है तो सभी को एक कदम पीछे आना पड़ेगा। ऐसी सोच जो है वो शरद पवार ने सामने रखी। 12 साल थोड़ा जो कांग्रेस के नेता है वो शरद पवार को मिले, उद्धव ठाकरे को मिले, और एकीफाई का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर सहमति हो गई है। ठीक है विलास, बहुत संक्षेप में जो बाकी की 33 सीटें हैं, तीनों 85-85 मिलाकर 255, 288 सीटें, बाकी 33 सीटों पर कौन? देखिए उद्धव ठाकरे गुट में कई ऐसी जगह है कि जहां उन्होंने मांग की है वही शरद पवार के पार्टी के उम्मीदवार भी लड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस में भी कई ऐसी सीटें हैं जो उद्धव ठाकरे को चाहिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को चाहिए, लेकिन कांग्रेस उसे छोड़ नहीं दी है। ठीक है, तो 33 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी बातचीत चल रही है, 255 सीटों पर सहमति बन गई है, तीनों राजनीतिक दल 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।